हाय दोस्तों, आज बात कर रहे हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लेडी सचिन कहे जाने वाली खिलाड़ी और पूर्व कप्तान मिताली राज की। मिताली राज एक पूर्व कप्तान और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर, राजस्थान में हुआ था और उनका पालन पोषण हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। वह दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और उन्होंने खेल के सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मिताली राज ने 1999 में 16 साल की उम्र में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए पदार्पण किया था। उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच आयरलैंड के खिलाफ था, जहां उन्होंने 114 रन बनाए थे, जो अभी भी पदार्पण पर किसी भारतीय महिला क्रिकेटर का सर्वोच्च स्कोर है। तब से उसने 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और 10,000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 50 अर्धशतक शामिल हैं। मिताली राज को अब तक की सबसे महान महिला क्रिकेटरों में से एक माना जाता है। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनमें महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी भी शामिल हैं। उन्होंने वनडे में लगातार 7 अर्धशतक भी बनाए हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। मिताली ने 5 ICC महिला विश्व कप टूर्नामेंट में खेला है और भारत को 2017 महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया है। मिताली राज 2 दशकों से अधिक समय से भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। वह भारतीय महिला क्रिकेट के लिए कई ऐतिहासिक क्षणों का हिस्सा रही हैं, जिसमें 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी पहली टेस्ट श्रृंखला जीत और 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी पहली द्विपक्षीय एकदिवसीय श्रृंखला जीत शामिल है। 2005 में वह भारतीय टीम की कप्तान बनी और उनका नेतृत्व किया। 2005 में अपने पहले विश्व कप फाइनल में, जहां वे ऑस्ट्रेलिया से हार गए। मिताली राज भरतनाट्यम में प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। उसने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है और कुछ विज्ञापनों में भी दिखाई दी है। क्रिकेट के अलावा वह भारत में महिला क्रिकेट के विकास की मुखर हिमायती रही हैं। मिताली राज को क्रिकेट के बाहर उनकी उपलब्धियों के लिए भी पहचाना जाता है। उन्हें 2018 में टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक नामित किया गया था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो खिलाड़ियों के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। 2015 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत में 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। मिताली राज ने एकट एवव नामक एक आत्मकथा लिखी है, जो क्रिकेट में उनकी यात्रा को आगे बढ़ाती है और भारत में महिला क्रिकेटरों के सामने आने वाली चुनौतियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उन्होंने 3 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। भारतीय महिला क्रिकेट में मिताली राज का योगदान बहुत बड़ा रहा है और वह भारत और दुनिया भर में युवा क्रिकेटरों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। उनकी विरासत को हमेशा उत्कृष्टता, दृढ़ता और खेल के प्रति समर्पण के रूप में याद किया जाएगा। मिताली राज टेस्ट और वनडे क्रिकेट दोनों में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। वह महिला वनडे क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर महिला भी हैं। मिताली राज ICC टूर्नामेंटों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही हैं। वह 2005 के महिला क्रिकेट विश्व कप और 2009 के महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत के लिए अग्रणी रन स्कोरर थीं। वह 2013 महिला क्रिकेट विश्व कप में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी थीं, जहां भारत उपविजेता के रूप में समाप्त हुआ। 2017 के महिला क्रिकेट विश्व कप में मिताली राज 9 मैचों में 409 रन बनाकर अग्रणी रन स्कोरर थीं, जिसने भारत को फाइनल में पहुंचने में मदद की। मिताली राज एकमात्र ऐसी महिला क्रिकेटर भी हैं, जिन्होंने 1 से अधिक ICC ODI विश्व कप फाइनल में भारत की कप्तानी की। 2005 और 2017 में 2 बार ऐसा किया। उनकी कप्तानी में भारत ने 2005 महिला एशिया कप जीता। मिताली राज के प्रदर्शन ने उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसा अर्जित की है। उन्हें 2017 में ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया था और उन्हें 7 बार 2005, 2006, 2009, 2012, 2014, 2017 और 2019 ICC महिला ODI टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। 2018 में वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 साल पूरे करने वाली पहली महिला बनी। मिताली राज ने घरेलू क्रिकेट में भारतीय रेलवे के लिए भी खेला है और भारतीय महिला क्रिकेट संघ की वरिष्ठ महिला वनडे लीग में एक शानदार रन स्कोरर रही हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में 8,000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 19 शतक और 53 अर्धशतक शामिल हैं। कुल मिलाकर मिताली राज का करियर एक उत्कृष्ट रहा है, जिसमें उनके नाम कई रिकॉर्ड और सम्मान हैं। वह भारत में महिला क्रिकेट की पथ प्रदर्शक रही हैं और उन्होंने युवा महिला क्रिकेटरों की एक पीढ़ी को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को हमेशा बड़ी प्रशंसा और सम्मान के साथ याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो लगातार मिलती रहे।